हेलो गाइस, मैं रिजवान सलमानी। लास्ट क्लास में हमने देखा था इनकम टैक्स एक्ट, जो कि हम इनकम टैक्स एक्ट की सीरीज तैयार करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने इनकम टैक्स एक्ट में क्या देखा था, सेक्शन 6 देखा था, इनकम टैक्स एक्ट। लास्ट क्लास में हमने इनकम टैक्स एक्ट देखा था, इसके अंदर सेक्शन 6 देखा था। मैंने कहा था सेक्शन 5 बताने के लिए, अगर सेक्शन 5 में पहले बता देता तो समझ में नहीं आता। अब मैंने सेक्शन 6 बता दिया है, इसलिए अब सेक्शन 5 बताऊंगा मैं। सेक्शन 5 का क्या नाम है? सेक्शन 5 का नाम है स्कोप ऑफ टैक्सेबल इनकम, यानी टैक्सेबल इनकम, यानी इनकम पर कैसे स्कोप होता है, मतलब कैसे टैक्स लगता है, ये सेक्शन 5 में पढ़ेंगे। हमने लास्ट क्लास में देखा था सेक्शन 6 में कि किसी भी पर्सन पर टैक्स सिटीजनशिप पे नहीं लगता, कि वो इस देश का नागरिक है, इस देश का सिटीजन है या नहीं, इसके इस पर टैक्स नहीं लगाया जाता। लगाया जाता है कि उसके रेसिडेंशियल स्टेटस पे। तो रेसिडेंशियल स्टेटस में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने एक देखा था ROR, यानी रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। एक देखा था RNOR, यानी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और देखा था NR, ये NR का था मतलब नॉन रेसिडेंट। तो हम इसमें ही देखेंगे कि क्या क्या पर्सन है और इन पर्सनों का स्टेटस ये है। ROR तो कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, RNOR है तो कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, NR है तो कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले कि इन इंडिया, इंडिया की इनकम, इन इंडिया, इंडिया में क्या क्या हो सकता है, इनकम एक्रू और अराइज और डीम टू एक्रू और अराइज, डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। यानी इनकम एक्रू और अराइज और डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। अगर इनकम कोई है जो इंडिया में अराइज हो रही है, इंडिया में एक्रू हो रही है, या फिर वो इनकम जो हम मान लेते हैं कि ये इंडिया में एक्रू होगी, अराइज होगी। अब ये क्या आ गया, कौन सी इनकम को हम मानेंगे कि ये इनकम एक्रू होगी और अराइज होगी? तो इसके लिए इसके लिए डीम टू एक्रू और अराइज, इसके लिए हम सेक्शन 9 पढ़ेंगे। जब सेक्शन 9 पे पूछेंगे तब बताएंगे कि कौन सी इनकम को हम एक्रू और अराइज मानते हैं, यानी डीम टू एक्रू और अराइज मानते हैं कि वो इंडिया में है। अब दूसरा पॉइंट है इसमें ही, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। जैसे हमने जिसमें देखा इनकम एक्रू और अराइज, कि इंडिया में एक्रू और अराइज कौन सी हो रही है इनकम, और फिर डीम टू एक्रू अराइज कौन सी इनकम को मानेंगे कि एक्रू और अराइज इंडिया में हो रही है, ऐसी इंडिया में रिसीव कौन कौन सी इनकम हो रही है, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, ऐसी डीम टू बी रिसीव्ड कौन सी इनकम को माने कि ये इंडिया में रिसीव्ड हो रही है। तो इसके लिए हम सेक्शन 7 देखेंगे, इसके लिए देखेंगे सेक्शन 7 और इसके लिए देखेंगे एक्रू और अराइज के लिए सेक्शन 9। तो हमारा इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि अगर इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया हो रही है, या फिर डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया हो रही है, तो ROR के केस में टैक्सेबल होगी इनकम, RNOR के केस में टैक्सेबल होगी इनकम, और NR के केस में भी टैक्सेबल होगी इनकम। अब इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, यानी
अगर इनकम इंडिया में मिल रही है या फिर ऐसी इनकम को मान लेते हैं कि जो इंडिया में मिल रही है, तो उस केस में भी तीनों में टैक्सेबल होगी इनकम। ये थी हमारी इंडिया की इनकम कि इंडिया में एक्रू और अराइज कब हो रही है, डीम टू बी एक्रू और अराइज कौन सी इनकम को मानेंगे, और रिसीव्ड कौन सी हो रही है, डीम टू बी रिसीव्ड को कौन सी मानेंगे। तो इन केस में कोई भी हो, चाहे उसका स्टेटस किसी भी पर्सन का आरओआर हो, चाहे आरएनओआर हो, चाहे एनआर हो, इन केस में टैक्सेबल होती है इनकम ये। अब जैसे हमने इन इंडिया देखा, ऐसी आउटसाइड इंडिया देखेंगे। आउटसाइड इंडिया में क्या है कि आउटसाइड इंडिया की हमारी जो भी इनकम है, जो भी हम अर्न कर रहे हैं, कि वो किस किस केस में टैक्सेबल होगी। क्या वो आरओआर के केस में टैक्सेबल है, क्या वो आरएनओआर के केस में टैक्सेबल है, या फिर क्या वो एनआर के केस में टैक्सेबल है। तो आउटसाइड इंडिया, पहले हमने इन इंडिया की बात करी थी, अब आउटसाइड इंडिया की बात करेंगे। तो इसके लिए मैं ये रफ कर देता हूं। इन इंडिया में तो चाहे कोई सा भी स्टेटस हो पर्सन का, उसके केस में टैक्सेबल होती है, चाहे अप्रूव हो, चाहे अराइज हो, चाहे रिसीव्ड हो, चाहे डीम टू बी रिसीव्ड हो, चाहे डीम टू बी अराइज हो। तो आउटसाइड इंडिया में क्या है, इनकम अप्रूव और अराइज आउटसाइड इंडिया, अगर इनकम अप्रूव और अराइज आउटसाइड इंडिया हो रही है, अप्रूव और अराइज आउटसाइड इंडिया, बट इफ बिजनेस इज कैरिड ऑन इन इंडिया, एक पॉइंट ये है, या फिर और सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, मतलब बिजनेस इज कैरिड ऑन, या तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि बिजनेस इज कंट्रोल्ड ऑन इन इंडिया, या कंट्रोल्ड में हो रहा है, यानी कहाँ पे कंट्रोल है उसका, इसको कंट्रोल कर लो कि इस बिजनेस का कंट्रोल कहाँ पे है, कंट्रोल इन इंडिया अगर ऐसा है, या फिर सर्विसेज या प्रोफेशन इज सेटअप रेंडर्ड, रेंडर्ड मतलब सेटअप, इसको हम लिख सकते हैं सेटअप, सेटअप इन इंडिया, इंडिया में हो रही है। तो इस केस में, इन दोनों केस में, और इनकम अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया है, बट अगर बिजनेस उसका कैरिड या कंट्रोल इन इंडिया हो रहा है, या सर्विस सेटअप बाय या रेंडर इन इंडिया हो रही है, तो इस केस में आरओआर के केस में टैक्सेबल है, आरएनओआर के केस में टैक्सेबल है, लेकिन एनआर के केस में टैक्सेबल नहीं होगी इनकम, अगर उसका बिजनेस इंडिया में है और अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया हो रही है, तो आरओआर और आरएनओआर के केस में टैक्सेबल हो जाएगी इनकम, एनआर के केस में टैक्सेबल नहीं होगी। या फिर सर्विस उसकी इंडिया में हो रही हो या सेटअप हो रहा हो, बट इनकम कहाँ पे अक्रू और अराइज हो रही है, आउटसाइड इंडिया में, तब भी इन दोनों केस में आरओआर और आरएनओआर के केस में टैक्सेबल होगी इनकम, एनआर के केस में टैक्सेबल नहीं होगी। ये दोनों के पॉइंट व्यू से है। अब आउटसाइड इंडिया में दूसरा पॉइंट आता है, एनी अदर इनकम, कोई सी भी इनकम, एनी अदर इनकम, इनके अलावा एनी अदर इनकम, कोई सी भी इनकम हो, अगर पर्सन आर ओ आर है तो टैक्सेबल होगी होगी, लेकिन पर्सन आर एन ओ आर है तो टैक्सेबल नहीं होगी, और एन आर के केस में भी टैक्सेबल नहीं होगी। यानी हमने क्या देखा, हमने देखा कि कोई सी भी इनकम हो आर ओ आर के केस में तो टैक्सेबल होगी होगी, अगर पर्सन आर ओ आर है तो सारी की सारी इनकम टैक्सेबल होगी, अगर पर्सन आर एन ओ आर है तो कौन सी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, जो आउटसाइड इंडिया की है, आउटसाइड अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया हो रहा है,
ना उसमें ये आएगा बिजनेस कंट्रोल हो रहा है इंडिया में, ना सर्विस रेंडर्ड हो रही है या प्रोफेशन रेंडर्ड या सेटअप बाय इन इंडिया हो रहा है। तो अगर ये दोनों केस है तो आरओआर और आरएनओआर के केस में होगी, एनआर के केस में नहीं होगी। तो हमने सेक्शन 5 में क्या देखा, सेक्शन 5 में देखा कि अगर कोई भी इनकम इंडिया की है, एक्रू और अराइज हो रही है इंडिया में, या फिर डिम टू एक्रू और अराइज है इंडिया में, या फिर रिसीव्ड है या डिम टू भी रिसीव्ड है इन इंडिया में, तो तीनों के केस में आरओआर आरएनओआर और एनआर के केस में टैक्सेबल होती है ये इनकम। और आउटसाइड इंडिया में देखा कि अगर इनकम एक्रू और अराइज है और उसमें बिजनेस कैरिड हो रहा है इन इंडिया, या फिर सर्विसेज या प्रोफेशन हमारा सेटअप है कहाँ पे, इंडिया में, तो आरओआर और आरएनओआर के केस में टैक्सेबल होगी, एनआर के केस में नहीं होगी। और इसके अलावा कोई भी इनकम बच जाती है तो वो आरओआर के केस में तो टैक्सेबल है, वर्ल्ड वाइड इनकम आरओआर के केस में टैक्सेबल होती है, एनओआर के केस में नहीं होगी और एनआर के केस में नहीं होगी। तो इसमें हमने देखा, इसमें ये देखने के बाद हमने दो पॉइंट देखे कि डीम टू बी रिसीव्ड कौन सी इनकम मानेंगे। तो डीम टू बी रिसीव्ड इसके लिए हम पढ़ेंगे सेक्शन 7, और डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया, ये कौन सी इनकम है जिसको हम एक्रू और अराइज माने इंडिया में, तो वो इनकम को देखेंगे हम सेक्शन 9 में। तो सेक्शन 5 ये बताता है, और सेक्शन 6 में हमने क्या देखा था कि आरओआर कौन सा पर्सन होता है, आरएनओआर कौन सा पर्सन होता है और एनआर कौन सा पर्सन होता है। तो इंडिविजुअल देखा था सबसे पहले, इंडिविजुअल में दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है किसी भी पर्सन को रेसिडेंट बनने के लिए। पहली कंडीशन क्या थी, या तो वो 182 दिन या उससे अधिक इंडिया में रहा हो तो उसको मान लेंगे कि वो रेसिडेंट है। ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही तो देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में वो 60 दिन से ऊपर है या नहीं, अगर वो 60 दिन से ऊपर है तो देखेंगे कि 365 दिन प्रीसीडिंग फोर प्रीवियस ईयर में क्या वो 365 दिन इंडिया में था या नहीं, अगर था तो देखेंगे कि वो आरओआर है यानी रेसिडेंट है। जब रेसिडेंट की कंप्लीट हो जाती है इंडिविजुअल में तो आगे बढ़ते हैं, आगे किस में बढ़ते हैं, आरओआर और आरएनओआर में बांट देते हैं। तो ये सब कुछ मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, देखिएगा, अगर किसी को कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ सकता है। और आरओआर और एनओआर के बारे में या एनआर के बारे में सब कुछ बता चुका हूँ मैं लास्ट क्लास में, लेकिन एक पॉइंट रह गया था इसके बारे में बताने के लिए, वो पॉइंट क्या था कि इसको मैं पहले रफ कर देता हूँ फिर बताता हूँ। तो सेक्शन 6 में हमारा एक पॉइंट रह गया था, वो पॉइंट क्या था कि कोई पर्सन इंडिया में है, मान लो आज तारीख है और आज की डेट में कोई पर्सन इंडिया में है, लेकिन उसकी 12 बजे की फ्लाइट है, 12 बजे दोपहर की फ्लाइट है और वो इंडिया छोड़ के जा रहा है, तो इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हम उसको मानेंगे कि वो उस दिन इंडिया में था या नहीं, या फिर कोई पर्सन बाहर से इंडिया आया तो जिस दिन वो इंडिया आया उस एक दिन को काउंट करेंगे या नहीं, यानी पर्सन लीव कर रहा है, पर्सन लीव इंडिया, या फिर पर्सन अराइव इंडिया, पर्सन अराइव इंडिया, क्या हम वो कैलकुलेशन के लिए 182 दिन वाली कैलकुलेशन के लिए कि पर्सन इंडिया में छोड़ के जा रहा है या पर्सन इंडिया में आ रहा है, इस दिन को इंक्लूड करे या नहीं, तो यह कहता है हाँ हम इस दिन को इंक्लूड करेंगे, चाहे वो पर्सन एक घंटा इंडिया में रुका हो और फिर वो चला गया हो, या फिर चाहे उस पर्सन को आए हुए एक ही घंटा हुआ हो, वो दिन काउंट हो जाएगा, वो दिन काउंट करेंगे हम 182 दिन की कंडीशन को पूरी करने के लिए। तो सेक्शन 6 भी हमने देख लिया, सेक्शन 6 में मुझे एक यही पॉइंट बताना था जो लास्ट क्लास में रह गया था। तो अब तक हमने कौन कौन से सेक्शन देख लिए एक बार लिख देता हूं मैं। सेक्शन 1 देखा, इस सेक्शन 1 में क्या देखा था, सो टाइटल स्टैंड एंड कमिशमेंट, कि इस एक्ट के बारे में ही बताया गया कि इस एक्ट के बारे में क्या क्या है, कि एक्ट कहाँ कहाँ अप्लीकेबल होता है, कब से अप्लीकेबल हुआ। सेक्शन 2 में हमने देखा था, सेक्शन 2 डेफिनेशन बताई थी मैंने कि सेक्शन 2 बेसिकली हर एक्ट की डेफिनेशन का होता है, लेकिन इसके अंदर हमने सिर्फ अभी फिलहाल एक ही डेफिनेशन देखी थी, सेक्शन 2
31, इसके अंदर देखा था हमने पर्सन की डेफिनेशन कि सात तरह के पर्सन होते हैं, वो पर्सन कौन है बताया था। सेक्शन थ्री में देखा था प्रीवियस ईयर, सेक्शन थ्री में देखा था प्रीवियस ईयर। फिलहाल इसको थोड़ी देर के लिए स्किप करो, मैं इस पॉइंट पे दोबारा आऊंगा, इसमें कुछ समझाना रह गया था वो बताता हूँ। फिर हमने क्या देखा, सेक्शन फोर देखा, सेक्शन फोर में देखा कि चार्जेस ऑफ इनकम टैक्स क्या है। फिर सेक्शन फाइव देखा, सेक्शन फाइव अभी अभी देखा है जिसमें हमने देखा था स्कोप क्या है इसका टैक्सेबल इनकम का। सेक्शन सिक्स देख चुके हैं कि किसी भी पर्सन पर सिटीजनशिप पे टैक्स नहीं लगता, उसके रेसिडेंशियल स्टेटस पे टैक्स लगता है। इसके बाद हमने देखा था सेक्शन 14, सेक्शन 14 बताता है कि इनकम, फाइव हेड्स ऑफ इनकम होती है, कौन कौन सी होती है बता दिया था। इसके बाद देखा था सेक्शन 14A, इसमें बताया था कि अगर कोई इनकम एग्जेम्प्ट है इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसके खर्चे भी डिसअलाउड हो जाते हैं, कोई मायने नहीं है उस खर्चों की। हमें सेक्शन थ्री पे वापसी आ रहा हूं, सेक्शन थ्री में हमने क्या देखा था, प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन, यानी मैंने इसमें बताया था कि कोई भी पर्सन, मान लो ईयर 13-14 है, 14-15 है और 15-16 है, इसमें इनकम अर्न करा, इसका टैक्स वो कौन से ईयर में देगा, 14-15 में, तो ये असेसमेंट ईयर है और ये प्रीवियस ईयर है। तो मतलब जिस साल उसने इनकम अर्न करी उसका टैक्स वो अगले साल देगा, तो वो असेसमेंट ईयर है। लेकिन कई केस हमारे ऐसे हो जाते हैं कि हमने प्रीवियस ईयर में ही इनकम कमाई और इसी ईयर में हमें टैक्स पे करना है प्रीवियस ईयर भाई, तो उसकी एक असेप्शन है। तो प्रीवियस ईयर की असेप्शन क्या है कि एक्ट बोलता है, एक्सेप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर, तो ये एक्ट बोलता है कि पांच केस है जहां पर अगर आपने किसी प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न करी है तो उसका टैक्स अगले साल ना देकर इसी साल देना पड़ेगा। वो पांच केस कौन कौन से हैं? पहला केस है कि पर्सन लीव इंडिया परमानेंटली, मतलब कोई भी पर्सन है जिसने मान लो 13-14 में इनकम अर्न करी और इस साल इनकम अर्न करी और फिर देश छोड़ के चला गया, ये प्रीवियस ईयर है। तो ये एक्ट कहता है कि इससे पहले कि ये देश छोड़ के परमानेंटली चला जाए इसकी इनकम इसी साल टैक्सेबल कर दो, यानी इसको 14-15 में मत पहुंचाओ, असेसमेंट ईयर में मत पहुंचाओ, इसी इनकम इसी साल टैक्स कर दो ये कहता है। तो पहला पॉइंट क्या देखा हमने, पर्सन लीव इंडिया। दूसरा पॉइंट क्या देखा कि डिसकंटिन्यूड बिजनेस, कोई पर्सन है मान लो 13-14 ईयर में उसने इनकम अर्न करी और वो सोच रहा है कि मैं बिजनेस बंद कर दूंगा, मैं बिजनेस नहीं चलाऊंगा, तो तब भी कि अगर उसका बिजनेस बंद हो रहा है तो असेसमेंट ईयर में नहीं ले जाएंगे हम उसको, 13-14 में ही टैक्सेबल करनी पड़ेगी उसकी इनकम। तो पहला पॉइंट पर्सन लीव इंडिया परमानेंटली, यानी पर्सन कोई देश छोड़ के जा रहा है तो तब, और या फिर बिजनेस बंद हो रहा है तब, या फिर प्रॉपर्टी ट्रांसफर फोर अवॉइड टैक्स, मतलब मेरी कोई प्रॉपर्टी है मैं उसको किसी और के ऊपर ट्रांसफर कर दूं, क्यों, क्योंकि मैं सोचता हूं कि मेरी इस प्रॉपर्टी से टैक्स आएगा, मेरी दो चार प्रॉपर्टी है, जब दो चार प्रॉपर्टी से टैक्स आएगा तो इनकम टैक्स पे हाई रेट पे टैक्स लगेगा, मैं उन्हें अपनी प्रॉपर्टी किसी और को दे दी तो 2.5 लाख तक वैसे इनकम एग्जेम्प्ट होती है, तो उसके बाद जब चली जाएगी कि 2.5 लाख तक होगी तो उसमें टैक्स बच जाएगा, इसको क्लबिंग ऑफ इनकम भी बोलते हैं। तो मतलब अगर कोई पर्सन प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है किस लिए, फॉर अवॉइड टैक्स, टैक्स से बचने के लिए, तो उस केस में भी हम उसी प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल कर देंगे।
चौथा पॉइंट क्या देखा हमने? परफॉर्म ए पर्टिकुलर इवेंट। यानी हमने मान लो कोई इवेंट करा जो इसी साल शुरू हुआ और इसी साल खत्म हो जाएगा, तो इस साल जो हमने इनकम अर्न करी उसको अगले साल ले जाने की जरूरत नहीं है, इसको हम इसी साल टैक्सेबल कर देंगे। कोई भी इवेंट हो और कोई भी किसी भी प्रकार का ऐसा फंक्शन हो जो जिससे इनकम अर्न हो रही हो और हम इसी साल खोले इसी साल बंद कर दे, तो उसको हम अगले साल नहीं ले जाएंगे। ये सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। लास्ट पॉइंट है पांचवा, पांचवा पॉइंट है शिपिंग। शिपिंग बिजनेस ऑफ एनआर, यानी कोई पर्सन नॉन रेसिडेंट है वो शिपिंग बिजनेस करता है, समुद्र के रास्ते आता है और हमारे यहाँ पे बिजनेस करता है और फिर वापस चला जाता है। तो इससे पहले इसे हम क्या ये सोचेंगे कि भाई तू बिजनेस करने आया चल वहां पे चला जा, जब अगली बार आएगा तो टैक्स दे दियो। ये तो एनआर है, नॉन रेसिडेंट है, क्या पता वापिस ही ना आए, कभी कभी आता है। तो इस केस में भी हम 13-14 में ही टैक्स कर देंगे। तो ये पांच केस ऐसे है जहां पर प्रीवियस ईयर की इनकम अगले साल ना ले जाकर उसी प्रीवियस ईयर में टैक्स कर देते हैं। तो सेक्शन 3 की एक्सेप्शन भी देख ली हमने प्रीवियस ईयर की, तो ये सारे सेक्शन हम कवर कर चुके हैं। अगली क्लास में देखेंगे जो जो सेक्शन, आगे बढ़ते रहेंगे पढ़ाते रहेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। ये सेक्शन हम देख चुके हैं, एक्सेप्शन देख चुके हैं। तो जाते जाते एक बात कहना चाहूंगा, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारी वीडियो के लिंक को दूसरों के साथ शेयर करें। और अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जब आप इस वीडियो के लिंक को दूसरों से शेयर करोगे तो ज्ञान बांटने से बढ़ेगा, तो ज्ञान तो बांटने से बढ़ता है, इसलिए दूसरों के साथ भी इस वीडियो के लिंक को शेयर करें। तो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। टाटा बाय बाय।